आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग जो कि है अनंत लंबाई के रेखीय चालक के चारों ओर कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किसी लीनियर कंडक्टर है, लीनियर चार्ज कंडक्टर है ना, इन्फिनेटिव लेंथ का, उसके चारों ओर किसी पॉइंट पर अपन को क्या करना है, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां पर जो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया, चार्ज आवेशों का जो वितरण लिया गया है, वो स्मॉल एल लंबाई के अनुसार इस प्रकार से लिया गया, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। जहां पर लैम्डा क्या है, जहां पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, या इसको अपन क्या बोल रहे हैं, आवेश घनत्व बोल रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ये हम पढ़ा चुके हैं एक बार, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। यहां इस वायर में अपन ने एल लेंथ में चार्ज को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को, क्यू चार्ज हो चुका है। तो इससे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो कैसी होंगी, लंब यहां पे नॉर्मली बाहर की ओर इस प्रकार से निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और यहाँ बिन इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है इस पॉइंट पी पर। क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो यहाँ पर एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक बेलन की कल्पना कर ले रहे हैं, बल इसके चारों ओर बंद पृष्ठ, एक बेलन की कल्पना इस प्रकार से कर लेते हैं, क्योंकि बंद पृष्ठ जरूरी है। तो यहाँ पर अपन क्या कर ले रहे हैं, एक बेलन की कल्पना, एक यहाँ पर एक क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर रेडियस है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करना, गॉस की लॉ का यहाँ पर एक यूज करना है। तो उसके लिए अपन को पृष्ठ से जो सरफेस से लिंक जो है वो क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं तीन सरफेस हैं। पहला पहला सरफेस है S1 जो कि क्या है, प्लेन है। दूसरा सरफेस क्या है, S2 जो नीचे की ओर प्लेन है। और तीसरा सरफेस जो है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ये ऐसा सिलेंड्रिकल, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कर्व सरफेस है। क्या है, यहां पर कर्व सरफेस। तो अपन को टोटल, यदि अपन टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो अपन को तीनों के अकॉर्डिंग यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा और उनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला जो दो प्लेन सरफेसेस हैं उसमें यदि अपन बात करें, एरिया की बात करें, तो एरिया कैसा है, ऊपर की ओर है, एरिया यहां पर ऊपर की ओर है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर है। ऐसा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, हमेशा बाहर की ओर है, सभी जगह पर बाहर की ओर है, इधर पर, ठीक है। और एरिया की डायरेक्शन ऊपर वाले प्लेन के लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी है, 90 डिग्री पर है। जैसे मान लो अपन यहां पर DS1 की बात करें, स्मॉल एरिया की बात करें, तो उसकी डायरेक्शन कैसी, ऊपर की ओर है। इसी प्रकार नीचे DS2 की बात करें यहां पर, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे की ओर, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहां पर यदि अपन बात करें DS3 की, बात करें DS2, DS3, ये DS3 है, ये DS2 की बात करें, तो DS2 जो है वो सामने की ओर होगा इस प्रकार। देखो क्या है, कहने का मतलब ये है कि प्लेन सरफेस एरिया में जो डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन है, वो ऊपर की ओर है, ये वाले में, पहले वाले में, और तीसरे वाले में नीचे की ओर है, और कर्व वाले में बाहर की ओर है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। एरिया की डायरेक्शन कैसी है, चारों दिशाओं में बाहर की ओर है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में। तो इनके बीच का एंगल 0 होगा, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 90 दिख रहा है। तो जब अभी सभी पृष्ठ के लिए, सभी सरफेस के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर अपन को सभी सरफेस के लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देखना, इंटीग्रेशन
सरफेस इंटीग्रेशन ले रहे हैं, एस वन के लिए सरफेस इंटीग्रेशन एस वन के लिए कितना होगा, ई डी एस वन कॉस 90, ई डी एस कॉस थीटा होता है, क्या होता है ई डी एस कॉस थीटा, तो यहां पर थीटा की जगह क्या आएगा 90 आएगा, ई डी एस वन कॉस 90, ये प्लेन सरफेस एरिया के लिए ऊपर वाले। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या होगा, तीसरे तीसरे जो प्लेन सरफेस एरिया नीचे की ओर जो तीसरा प्लेन सरफेस एरिया उसके लिए कितना होगा, ई डी एस टू कॉस 90, इसके लिए भी कॉस 90। और जो दूसरा सरफेस जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया के लिए कितना होगा, ई डी एस यहां पर ई डी एस टू कॉस 0। देखो यहां डी एस टू और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक सी है, और यहां पर 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री कॉस 90 कॉस 90 दो सरफेस है, ये दोनों जो है प्लेन सरफेस एरिया है और ये वाला कर्व सरफेस एरिया है। तो जैसे अपन यहां पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कॉस 90 की वैल्यू जैसे 0, यहां भी कॉस 90 की वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू कैसे जाएगी 0, केवल क्या बचेगा अपन अपने पास, ये बचेगा इंटीग्रेशन एस टू ई डी एस टू, ये cos, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर केवल 1 बचेगा। तो इसी प्रकार से ऐसा अपन कर सकते हैं, और e को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे s टू ds करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे यहां पर, e जो है कांस्टेंट है तो e को यहां पर अपन क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्या करेंगे डबल इंटीग्रेशन s टू ds। तो ds2 स्मॉल एरिया है, ds2 क्या है स्मॉल एरिया, आप स्मॉल एरिया का जब इंटीग्रेशन कराते हैं तो पूरे वो कर्व में फैल जाता है, मतलब छोटे छोटे एरिया को जोड़कर अपन क्या बना सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया बना सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया जो है यहां पर बताएंगे क्या, डबल इंटीग्रेशन जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, डी एस टू जो है इंटीग्रेशन डी एस टू जो है उसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया टोटल सर या कर्व सरफेस एरिया अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसको अपन क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब पूरा एरिया हो जाएगा। यदि अपन छोटे एरिया का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, छोटे क्षेत्रफल का समाकलन करते हैं तो पूरे में फैल जाता है, तो कितना फैलेगा टोटल, बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर, तो सरफेस एरिया के बराबर। तो बेलन का सरफेस एरिया कितना होता है, कितना होता है 2πr, कितना होता है 2πr l, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा 2πrl। तो यहां पर अपन रख दें phi इज इक्वल टू कितना आएगा, e इनटू 2πrl, ये आ गया क्या इक्वेशन नंबर 1। अपन को क्या निकालना था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था, विद्युत फ्लक्स निकालना था, तो उसके लिए अपन ने तीन पृष्ठ की बात की है। पहला पृष्ठ जो है s1 जो है वो कैसा है, s1 जो है प्लेन सरफेस एरिया जो कि ऊपर की ओर है, इसी प्रकार S3 जो है वो भी प्लेन सरफेस एरिया है, वो कैसा है नीचे की ओर है उसकी डायरेक्शन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाने दोनों, तो ये जीरो जाएंगे और बचेगा क्या, केवल कर्व सरफेस एरिया बचेगा। तो कर्व सरफेस एरिया इस प्रकार से ये दिया हुआ है, EdS2 cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां पर अपन 1 पुट कर देंगे, E को बाहर निकालेंगे तो इन डबल इंटीग्रेशन DS2 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये DS2 जो है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, टोटल कर्व सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं 2 पाई आर एल। तो यहां पर अपन वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर एल जाएगा, तो phi इज इक्वल टू कितना आ गया, e into 2 पाई आर एल, ये समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब अपन को यूज करना है किसके, गॉस की प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू होता है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ,
अकॉर्डिंग टू गॉस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू कितना तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू, इसको अपन बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि अपन इक्वेट करें यहां पर तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड बराबर होगा तो क्या होगा यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अपन क्या निकालेंगे e इनटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू क्यू, e की वैल्यू निकाल दें, e इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन 2 पाई आर 2 पाई एप्सिलॉन आर एल और ऊपर आ जाएगा क्या क्यू हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू कितना है लैम्डा एल है तो यहां पर अपन क्या कर देंगे क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन क्या कर देंगे 2 पाई एप्सिलॉन आर एल कर देंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ई इज इक्वल टू कितना बचेगा लैम्डा अपॉन E इक्वल टू कितना बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये यहां पर प्रूव हो जाता है। तो इसमें ज्यादातर जब भी अपन अनुप्रयोग की बात करते हैं एप्लीकेशन की बात करते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है कि पहले एक पृष्ठ के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालना पड़ता है फिर अपन उसको क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू बोसस लॉ से इक्वेट करा देते हैं दोनों को और दोनों के बराबर करके E की वैल्यू अपन यहां पर फाइंड कर लेते हैं, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये सिंपल प्रोसेस है आप इसको करना। एक और इसके बाद है उसको हम बताते हैं आपको।